शहर के मुख्य मार्गों जैसे सराफा बाजार, गांधी चौक पर, फुटपाथ पर दुकान लगाकर सामान बेचने वाले दुकानदारों पर यातायात प्रभारी रणवीर यादव के द्वारा 12 लोगों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। फुटपाथ पर दुकान लगा रहे लोगों ने बताया कि हम गरीब लोग त्योहारों पर ही दुकान लगाते हैं, कुछ लोगों के ठेले बाजारों में लगे हुए हैं, इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, हम पैसे नहीं दे पाते तो हम पर कार्यवाही की जाती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो शहर के न्यू ब्लॉक में फर्नीचर व्यवसाय के द्वारा सड़कों पर अस्थायी रूप से सामान रखा जा रहा है, जिससे यातायात बाधित होता है, दुर्घटनाओं की संभावना है। वहीं शहर के झांसी तराहे पर सरिया व्यवसायी और मिष्ठान भंडार के दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है, लेकिन यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव के द्वारा इन लोगों पर आज तक कार्यवाही नहीं की गई। छोटे दुकानदारों और फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपना गुजर बसर करने वाले लोगों तक ही रणवीर यादव की कार्रवाई सीमित है। बड़े बड़े धन्ना सेठों पर कार्रवाई करने में आखिर क्यों प्रशासन पीछे हटता नजर आता है? शहर में हो रहे अतिक्रमण को रोकने के मामले में यातायात विभाग भी निष्क्रिय साबित हो रहा है। राहुल योगी तारकेश्वरी कॉलोनी, विष्णु अग्रवाल तारकेश्वरी कॉलोनी, धर्मेंद्र योगी कस्टम गेट शिवपुरी, अमन योगी शिवपुरी, संतोष राठौर कल्याण नगर मनिया शिवपुरी, महेश राठौर खुड़ा संतोषी माता मंदिर शिवपुरी, लाली योगी तारकेश्वरी कॉलोनी, प्रमोद गुप्ता पुरानी शिवपुरी, भरत राठौर रामबा कॉलोनी आदि लोग यहां पर इन लोगों पर कार्यवाही की गई। ये आपका नाम क्या है? संतोष राठौर। आपने देखी पर अस्थायी दुकान लगाई है आपने, आपको चालान की कार्रवाई की गई है? नहीं, अस्थायी दुकान नहीं लगाती है, अब तो जब कभी सीजन में जगाते हैं तो त्यौहार के टाइम में आप दुकान लगाते हैं, तो त्यौहार में जगाते। तो आज आपको क्या कार्रवाई की गई है? तो उन्होंने नाम पता लगा थोड़ा सर, मालूम नहीं है चालान करा क्या था। तो जैसे और भी दुकानें लगी उन पर कार्रवाई की गई है? ये पता नहीं है, वहाँ के अपन को जानकारी नहीं। शहर में अभी अधिक नाम क्या आपका? चरण जोगी। आप यहाँ दुकान कब से लगा रहे हैं? हमको तो 15-16 सालों से लगाते हैं। तो आप इस अस्थायी दुकान लगाते हैं? यहाँ नीचे लगाते हैं। तो इससे पहले आपने कार्रवाई करी है? इससे पहले पहली बार। तो क्यों कर रहे हैं आपको कार्रवाई? मालूम नहीं भाई साहब, हमने तो कही थी पीछे सरकार दे, आप वो नहीं माने तो क्या कर सकते? और लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? उन पर भी हुआ चालान तो सभी का, तेरा लगा रहा बाजार में घूम रहा, उन पर कार्रवाई करी है? नहीं भाई साहब, मेरे को नहीं मालूम, मैं ना दुकान छोड़ के जा रहा है, पहली बार तो चालान हुआ है, मैं पहली बार कभी रिपोर्ट ही नहीं गया अभी तक। आप पे जो चालानी कार्रवाई की गई है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? भाई साहब दुख तो होगा ना, तो बंदे ये बताया कितने का चालान हुआ क्या, उन्हें तो कहीं कोर्ट में आ जाना तुम तो। तो आप क्या कहना चाहोगे? अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो मजबूर हूँ, पहली बार चालान पे चालान करते हैं, गरीब लोगों पे चालान करते हैं, क्या करें भाई साहब, हम तो गरीब है। बोलते कही भाई साहब पीछे सरकार में बाबू जी कह रहे तुम ज़्यादा करोगे तुम्हारी दुकान हटा देंगे। मार्केट है, इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है, त्यौहार को देखते हुए लोगों ने ठेले लगा लिए हैं, बड़े स्टॉल लगा लिए हैं, जिससे रास्ता बिल्कुल सकरा हो गया है, और लोग जो आ रहे हैं गाँव से आ रहे हैं, बाजार से जो लोग सामान सामग्री खरीदने आ रहे हैं, उनको निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। इसकी मीडिया के द्वारा भी बताया गया था। आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा मुख्य बाज़ारों में अपने फोर्स के साथ निकले थे, जिसमें देखा गया था कि सड़कों पर पूरा अतिक्रमण था, जिनके बाद जिन लोगों ने हमारे कहने से हटा लिए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिनके द्वारा नहीं हटाया गया उनको 34(3) पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसमें इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय द्वारा इन पर कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे देखा जा रहा है कि शहर के मुख्य मार्गों पर जैसे कि झांसी तराहे पर स्थायी अतिक्रमण देखा जा रहा है, तो काफ़ी दुकानों पर काफ़ी सरियों की दुकानों के द्वारा भी अतिक्रमण किए, तो सर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, हमने तो हमेशा कार्रवाई की है, आप लोग पता भी है, पहले भी कार्रवाई की झांसी तराहे पर जो ठेले थे उनको व्यवस्थित करके लगवाया था नगर पालिका के साथ मिलकर, और जो लोग नहीं मानते तो पुलिस में हमें 34(3) पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है, वो हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज सामान्य रूप से देखा गया कि झांसी तराहे की जितनी भी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, तो सरियों की दुकानें भी हैं, उन पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा, बाहर रखा जा रहा उनका, सरिया भी रखा जा रहा बाहर, दुकान पर टेबल भी लगाई जा रही है, सर उनको देखते हुए आप कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? पहले भी की, आपको पता है मैंने पहले भी कार्रवाई की है इन पर, और आप देख रहे होंगे कि अतिक्रमण को लेकर कई बार FIR दर्ज भी कोतवाली में भी कराई है मेरे द्वारा, तो समय समय पर मैं कार्रवाई करता हूँ, और नगर पालिका के साथ में हम जैसे आप बता रहे हैं है, तो मिलकर फिर एक अभियान के तौर पर इसको लेंगे और शहर की सड़कों को साफ सुथरा और व्यवस्थित करेंगे। कुछ गरीब तबके के लोग जो शहरों में
कोनों में कई दुकान लगाते हैं अपनी, नीचे रखती है सर, उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की जा रही है? हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, एक बार पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के आदेश ऐसा हुआ था कि इन लोगों के लिए कोई अच्छी जगह देख के जहाँ ये व्यवस्थित, इनको बार बार कोई परेशानी ना हो, हमारे द्वारा पुराना बस स्टैंड पर इनके लिए एक अस्थायी जगह बनाई गई थी और वो मुख्य जगह है शहर की, बीचों बीच है, अच्छा व्यापार होता, पूरा इनके लिए व्यवस्थित बैठने की जगह भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाई गई थी, लेकिन दो दिन बैठे उसके बाद इन लोगों ने उसको वहाँ बैठने से मना कर दिया था। तो प्रशासन तो निरंतर ये कार्रवाई कर ही रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्थित जगह बने, और ऐसा ही नहीं, मिर्ची मार्केट में हमने गली है वहाँ भी इनके लिए हमने व्यवस्था की थी, लाइट की व्यवस्था की थी, सफाई करा दी थी, उसके बाद भी ये लोग नहीं बैठे थे। तो मेरा मानना है कि इन लोगों को भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे एक शहर व्यवस्थित रहेगा। आपको बता दूँ, एक होकर जोन के लिए हमने प्रयास किया था, होकर जोन के लिए प्रयास किया था, चूना वगैरह भी डाला था, सब व्यवस्थित था, प्रशासन के सहयोग